Event, तब कैसे हो आप लोग आई होप आप सब अच्छे हो गए एंड uh, आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ पार्ट टू ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसको हमने पिछली बार शुरू किया था एंड मैंने पार्ट वन में आपको कुछ बहुत ही ट्रिकी चीज़ें बताई थी जैसे कि इसके बारे में मैंने आपको बताया इसके अलावा मैंने बताया कि आप इसको किस तरह से मेरे ट्रिक से दैट इज बी 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 आ आ आ, आ से बहुत ही ईजिली याद कर सकते हो एंड आपको आई होप पसंद आया हो और मैंने जो आपको क्वेश्चन दिए थे वो आपने किए हो एंड अब हम स्टार्ट कर करते हैं पार्ट टू एंड जिसने पार्ट वन नहीं देखा है वो जा सकता है उन्हें लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में आप जाओ एंड वॉच इट एंड कम एंड वॉच दिस आल्सो सो देखो क्या है इसमें मैं आपको बताऊंगी बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं ओके तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है दैट इज मेली इक्वल्स टू बॉन्डिंग जो मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं उस, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनस एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय टू दैट इज़ कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर ओके जैसे कि अगर मुझे डिफरेंट uh, चीज़ों के बॉन्ड ऑर्डर्स निकालने हैं तो मैं कैसे निकालूंगी ये आप समझते हैं जैसे अगर मुझे लिथियम एल आई टू का निकालना है तो एल आई टू में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एक एक में तीन दूसरे में तीन तो टोटल कितने हो गए छः ठीक है मैं आपको बिल्कुल ए बी सी डी से सिखा रही हूँ यार ठीक से समझना हो कि okay? बहुत मेहनत कर रही हूँ तो देखो यार उसके बाद यहाँ पे लिखा अब इसको मैंने आपको ट्रिक जो बताया था वो अप्लाई कर दो ये लेस देन कौन सा वाला है ये फर्स्ट कैटेगरी में आता है जिसमें फोर्टीन या उससे कम वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है ये मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में तो इसमें हम कौन सा अप्लाई करेंगे बा बा ओके okay? देन हम लिखेंगे बी 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 एंड लास्ट में लिखेंगे आ आ आ ये बहुत तो फनी भी लगता है ना एंड इसमें ये एंड ये ओके okay? ये आपको समझ आया अब देखो क्या करेंगे छः तो है तो सिंपल सी बात है टू टू फोर फाइव सिक्स ये मैंने आपको सिखाया था अब देखो मैंने क्या बताया बॉन्ड ऑर्डर का डेफिनेशन क्या होता है बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग कौन सा होता है बी वाला ओके okay? तो दो इसमें और दो एक इसमें चार हो गए तो चार फिर एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है देखो एक मतलब तो सिर्फ इसमें है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है दो तो माइनस दो उसके बाद क्या इसका जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय टू इसको टू से डिवाइड करो तो इसका कितना आएगा टू बाई टू दैट इज वन तो इसका बॉन्डर कितना आ रहा है वन तो एल आई एल आई डेट इज बॉन्डर का मतलब होता है इनके बीच में कितना पॉइंट प्रेजेंट ओके तो ये हो गया ये समझ आया आपको तो अब नेक्स्ट की बात करते हैं एल आई माइनस टू की अगर मैं एल आई टू माइनस की बात करूँ तो इसमें टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे एल आई टू में कितने हैं छह है तो एक और माइनस जुड़ गया तो एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाएगा तो सिक्स प्लस वन दैट इज कितना हो गया सेवन हो गया ये तो आपको निकालने आता ही होगा ना अब ये भी नहीं आता तो अब ये भी सिखाऊ मैं आपको चलो सिखा दूंगी आप बताना मुझे नहीं आता होगा तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम ओके तो अब देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे बस वही सिंपल सा ट्रिक है क्या बा बा ये भी कौन सा वाला है फोर्टीन हाउस से कम वाला है ये ध्यान रखना बा बा ओके okay. तो लिखेंगे बी 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 एंड देन लिखेंगे आ आ आ फोर्टीन हाउस से कम वाले में इस तरह से लिखते हैं ये सबको याद होना चाहिए एंड अब हम स्टार्ट करेंगे टू टू फोर फाइव सिक्स सेवन ओके okay, ये समझ में आता है ना टू टू फोर फाइव सिक्स सेवन अब यहाँ पे बॉन्डर क्या होता -bonding. So, bonding है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग जो बॉन्डिंग में कितना है टू और टू दैट इज फोर टू और टू दैट इज फोर वाला है तो फोर माइनस एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में है टू प्लस वन दैट इज थ्री इसमें थ्री माइनस करेंगे डिवाइडेड बाई टू तो कितना आ, two, आ रहा है यार वन बाई टू दैट इज पॉइंट फाइव आ रहा है तो देखो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो थ्योरी है फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन करता है दैट इज़ वन बाई टू बॉन्ड ऑर्डर होता है दैट इज़ एल आई और एल आई जो माइनस वाला है उसमें आ, एक तो वन पूरा का पूरा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और एक हाफ बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है कभी आपने सुना नहीं होगा ऐसा लेकिन ऐसा होता है और ये चीज़ हम इस थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है बॉन्ड्स जो होता है वो हाफ भी हो सकता है ओके okay? हाँ सुनने में थोड़ा अजीब लगता है बट ऐसा होता है ओके okay? तो अब एल आई टू प्लस की बात करते हैं इसका किस से निकालेंगे तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ एल आई टू प्लस की बात करूँ तो इसमें देखो कितना होता था एल आई टू में छः होता था तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो कितना हो गया सिक्स माइनस वन होगा इज़ फाइव ये तो आपको आता होगा निकालने मेरे को मैं, मैं आपसे उम्मीद इतना रख सकती हूँ उसके बाद देखो लिखो बा बा जैसे मैंने आपको बताया बस वही बाबा बीबी बी आ बस आपको यही याद रखना बाबा बीबी बी, सौ बार मतलब बोलते रहो ये कोई आपको पागल समझे तो समझे दैट डजेंट मैटर हमें बस याद होना चाहिए हर चीज़ ओके तो ये आप ऐसे रिपीटेड मोड में बोलते रहा करो बाबा बी 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 आ, आ, आ बा बी 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 आ आ आ तो क्या होगा ना आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा ओके तो देखो ये हो गया अब क्या करो ये पीछे वाला जाएगा ये आगे वाला ये ये एक दूसरे के बराबर होता है ये मैंने आपको पहले बताया मैं खुद गड़बड़ कर देती हूँ कभी कभी तो ये एक दूसरे के बराबर होगा ओके ओके तो देखो अब क्या करेंगे टू टू, टू? फोर ओके फाइव ये आया समझ में कैसे फीलिंग कर रही हूँ समझ में आ रहा है और ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया आपको ना समझ में आ रहा हो तो पीछे वाला लेक्चर एक बार देख लेना आप तो इसका बॉर्डर कितना हो गया टू प्लस वन दैट इज थ्री माइनस टू डिवाइडेड बाई टू दैट इज वन बाई टू दैट इज पॉइंट फाइव ओके okay, तो बॉन्ड ऑर्डर हम निकालना सीख गए तो सबसे पहले तो एल आई टू का बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको बताया कितना आ रहा है वन आ रहा है ओके okay? फिर एल आई टू माइनस का बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको बताया कितना आ रहा है पॉइंट फाइव आ रहा है उसके बाद एल आई प्लस टू का बॉन्ड ऑर्डर मैंने बताया कितना आ रहा है पॉइंट फाइव आ रहा है ओके okay? तो ये आपको समझ आ गया अब देखो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ना उससे हम कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर सकती है एक तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ना वो स्टेबिलिटी को बताता है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कैसे उसको बता रहे है कि दो आइटम्स के बीच में क्या बॉन्ड होंगे और जो बॉन्ड होता है वो स्टेबिलिटी को बताता है जितने नंबर जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं जो स्टेबिलिटी होता है ना किसी भी एलिमेंट का एमोलिकल uh, का इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओके okay? तो ये आपको ध्यान होना चाहिए ओके okay? तो बॉन्ड ऑर्डर किसको एक्सप्लेन करता है इनडायरेक्टली स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है अब यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ जैसे कि कुछ होते हैं जैसे कि अगर मैं बात करूँ एन ई -E टू तो आप कहोगे कि न्योन जो होता है वो तो नोबल गैस है एंड जो नोबल गैस होता है वो तो इनवर्ट होता है वो तो ऐसे एग्जिस्ट करता है तो ये तो एक्जिस्ट नहीं करना चाहिए लेकिन ये इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं बॉन ऑड्र की एग्जिट एग्जिस्ट नहीं करते है। अब देखो कैसे एक में कितना हो गया दस इलेक्ट्रॉन दूसरे में दस तो टोटल टो टो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बीस हो गए यह समझ में आ गया अब मोर देन फोर्टीन इलेक्ट्रॉन वाले के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था बा बा ही था उसके बाद फिर मैंने बोला था बी 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 उसके बाद मैंने बोला था आ आ आ ये मैंने आपको बताया था इसमें क्या होता था पीछे वाला लेते थे याद है ये चीज ओके ये चीज़ आपको नहीं पता चल रही है तो आप पिछला लेक्चर देखो क्योंकि उसमें ही चीज़ मैंने ये एक्सप्लेन कर दी है ओके अब यहाँ पे क्या करेंगे अब लिखेंगे हम यहाँ पे टू टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट या आया नाइन टेन उसके बाद एलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी तो ये फीलिंग कैसे कि मैंने वन वन क्यों लिखा टू कहीं पे लिखा कहीं कहीं पे वन लिखा ये मैंने क्यों लिखा है मैंने आपको पिछले लेक्चर एक्षे में एक्सप्लेन किया है ओके okay. अब देखो ये फीलिंग हो गया टू टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टी सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ये समझ में आ गया अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते थे तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका था क्या था बॉन्डिंग वाले में एंटी बॉन्डिंग वाले को माइनस करो तो बॉन्डिंग कितना है टू टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन है एंटीबॉन्डिंग कितना है टू टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो जितने बॉन्डिंग है उतने एंटी बॉन्डिंग है तो इसका कितना हो गया ज़ीरो तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो आएगा वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा अब आप मुझे बताओ कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ कि बी ई टू एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट और नॉट ठीक है ये मुझे आप बताओ इन द कमेंट बॉक्स की बी ई टू जो होता है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं और आप एक किस चीज़ से बताओगे आप बताओगे थ्रू बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल के अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो आता है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा ओके okay, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई होप आपको अच्छा आप 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 लगा हो एंड आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी इसी से रिलेटेड और भी थोड़े बहुत पॉइंट्स बचे हुए मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से जिससे कि क्वेश्चन आते हैं एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो दैन ड्यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप स्टडिंग गाइज